आई जी इसका सोलूशन देखते हैं कि कैसे बैलेंस शीट कैसे बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये मेन हेडिंग है और इसमें दो हैं बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग की फिगर एसेट से लें और उसके अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन है दूसरी साइड से लें तो माइनस करने के बाद लिखेंगे जैसे मैंने बताया एक्सप्लेन किया था कि आपने नेट लिखनी होती है यानी ग्रॉस नहीं अगर प्रोविज़न है तो प्रोविजन माइनस करने के बाद इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी में टू फाइव में से हम थर्टी टू माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स में स्टॉक्स है एटी सेवेंटी और प्लस वो जो टू और टू माइनस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट जो है टू का और फोर का तो टोटल तो बैलेंस बचा आपका वन फिफ्टी पॉइंट सिक्स ये जो थ्री है इसमें ऐड किया हुआ ये वही है जिसको मैंने कहा था गुड्स इन ट्रांस ठीक है और इसमें से बाकी आपने माइनस करना है वो दोनों फिगरें उसने बताई हुई तो वो आ गई डेटर्स में देखें एटी प्लस सेवेंटी वन फिफ्टी और बैंक्स में देखें वो टू मिलियन का जो फिगर है आपकी 2000 की वो है उसकी अपना कैश इन ट्रांजिट की तो, तो टोटल एसेट्स आपके आ गए और क्रेडिटर्स में भी आप देखें आप वन प्लस एटी प्लस टू ये ये टू जो ऐड हो रहा है ना इसमें ये वो परपोज डिविडेंड का है जो दस है ना उसमें से हमने आठ रिवर्स करके इनकम में लेके जाना है और दो जो बचेगा वो जाए ये इसलिए यहाँ दिखाना पड़ता है कि ये करंट लाइबिलिटी है क्योंकि ये आपने अगले साल इसको पे कर देना है जबकि नॉन कंट्रोलिंग ट्रस्ट जो है उसको हम पे नहीं करते वो तो एडजस्ट होता है ईयर बाई ईयर लेकिन अगर कोई डिविडेंड पे करना है तो वो तो हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे और वो लाइबिलिटी में उसको शो करना पड़ेगा टैक्सेशन की फिगर भी सिंपल है ऐड किया है और डिविडेंड पेएबल सिर्फ आएगा इसमें डिविडेंड पेएबल आएगा सिर्फ ये अलग से जो आ रहा है ये होल्डिंग कंपनी जो प्रपोज़ किया है वो है उसके बाद इक्विटी की साइड को देखें ज़रा आपकी जो शेयर्स हैं वो आएंगे और उसके बाद रिटेन प्रॉफिट की कैलकुलेशंस भी है और नॉन कंट्रोलिंग की कैलकुलेशंस भी है तो हम इन कैलकुलेशन को देखते हैं वन बाय वन पहले तो करंट अकाउंट्स को देख लें मैंने आपको रिकनसाइल तो बता दिया था लेकिन देखें कि डेबिट बैलेंस 19 है और क्रेडिट में 14 था तो बाकी दो फिगरें डालकर टू और थ्री ये नाइनटीन नाइनटीन ख़त्म हो गया बैलेंस कुछ नहीं बचा लेकिन जो रिटेन अर्निंग का फिगर है उसमें देखें कि आपके पास जो थे एक्स के टू ट्वेंटी हैं और बाई का जो बैलेंस है ट्वेंटी उस पर प्ला, उसे प्लस करना है आपते टेन परसेंट ऑफ एटी ये कौन सा है ये डेबिट करना है ये है प्री एक्विजिशन उसके पार्ट की बात हो रही है इसी तरह अनरियलाइज प्रॉफिट टू है और इस तरह आपका जो बाई का प्रॉफिट करेंट ईयर का है उसका एटी आप क्रेडिट करें तो देखें गुडविल की फिगर जो है वो तो आपका 109 बनती है किस तरह से देखें 220 ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस फोरटीन और इसमें से ये दो, दो एक फिगर माइनस कर दे टू पॉइंट तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपकी ये गुडविल की बनती है और गुडविल जो है ना ये राइट ऑफ करनी है राइट right ऑफ का मतलब है कि आपने ये प्रॉफिट में एडजस्ट कर देनी है प्रॉफिट में इसको एडजस्ट करना है और बैलेंस जो आपका बचेगा प्रॉफिट वन फिफ्टी टू ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट्स है और गुडविल की प्रॉब्लम है देखें नीचे आपने थ्री हंड्रेड थाउजेंड और उसके बाद शेयर कैपिटल वन फिफ्टी और रिजर्व एटी तो सेवेंटी टू सो डिफरेंस है वन एट अब ये वन एट है जो हमने ऊपर रिटेन अर्निंग में से माइनस किया है तो दिस इज़ हाउ द रिटेन अर्निंग्स और गुडविल की कैलकुलेशन कैश इन ट्रांजिट की और करंट अकाउंट्स की एडजस्टमेंट इसमें अब नॉन कंट्रोलिंग को जरा देखें शेयर कैपिटल इसका फिफ्टी का है तो उसका ट्वेंटी परसेंट उनका शेयर है तो थर्टी थाउजेंड और रिटेन प्रॉफिट अच्छा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसमें प्री और पोस्ट को नहीं देखते बल्कि जो आपका प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टमेंट वही लेंगे हम उसका ट्वेंटी और रिज़र्व का भी ट्वेंटी अब देखिए रिजर्व और प्रॉफिट फ़र्क क्या है रिटर्न प्रॉफिट जो होते हैं वो प्रॉफिट में से निकालते हैं प्रॉफिट जो बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट से आती है वो आती है लेकिन जो रिज़र्व हैं वो क्रिएट भी करते हैं यानी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बल्कि उसका कुछ हिस्सा हम रिज़र्व में डाल देते हैं इसलिए वो रिज़र्व तो टोटल जो है इसका फिफ्टी ये आपकी बैलेंस शीट में नोट कर लें कि कंसोलट की बैलेंस शीट में करंट आपकी फिगर जो है ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग वन में फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी एट सेवन नाइन पॉइंट सिक्स और ऐसे साइट पर भी आप देखें यही फिगर आएगी एट सेवन नाइन पॉइंट सिक्स तो दिस इज़ द बैलेंस शीट और ये वर्किंग जो है ये इंपॉर्टेंट होती है असल में ये आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि बगैर वर्किंग के कंसोलिडेटेड बनती नहीं है और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि इसके लिए बेहतर तरीका यही होता है कि आप एक वर्कशीट बनाएं एक्सेल पर डालें ए बी एक्स वाई जो भी कंपनियाँ हैं उनको रखें फिर आगे आप एलिमिनेशन का एक कॉलम बना लें डेबिट क्रेडिट का वहाँ पर एंट्री डालें कहीं और पेज पर वहाँ से उसकी पोस्टिंग करें और नेट ऑफ करते जाएं और फाइनली फिगर्स आ जाएंगी जो आपकी बैलेंस शीट के लिए आती है तो वो एक आसान तरीका है लेकिन चूँकि यहाँ वर्कशीट का कोशिश मैं करूँगा किसी किताब को एक क्वेश्चन वर्कशीट का भी दिखा दूँ अगर बनाना तो क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है टाइम इन देंस के देखें ना आपने पहले दो बैलेंस शीट टाइप करनी है फिर उसके बाद एलिमेंट्स के एंट्रियाँ डाली उससे पहले एडजस्टमेंट डालनी है तो इसलिए वो टाइम लग जाता है इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको वर्कशीट के थ्रू समझाऊँ लेकिन दिखा मैं आपको ज़रूर दूंगा मैंने बनाई हुई है थैंक यू वेरी मच